मैं रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र जिला अध्यक्ष निदेशक संघ प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी। आप सभी के सामने देखिए, हम लोग 2 अक्टूबर 2023 से लगातार हम लोग प्रत्येक रविवार को क्रमिक अनशन कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे मांगों को जो है पूरा नहीं किया गया, ना माना गया। इस आधार पे हम मजबूरन आज 14 12 2023 को एक दिवसीय अपने जिले पे धरना रखे हुए हैं। इसमें डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 12 2023 को हम लोग लखनऊ में अपना धरना देंगे, और ये प्रदेश स्तर पे जो है धरना होगा, और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी न हो। कि हमारा जो मानदेय 17,000 2017 से ज़्यादा हुआ था, उसे देने का कष्ट करें। हम लोगों को ना स्थानांतरण है, ना कोई चीज़ की सुविधा है। 30-40 किलोमीटर दूर है, लड़कियां हैं, जंगल झाड़ी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ना मानदेय में उतना सीधे नहीं पॉसिबल। आज हम लोग डीएम साहब को जो है अपने 9 सूत्री मांगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं ज्ञापन देने के संदर्भ में। हमारी मांगे 27 तारीख तक अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग मजबूर होकर और आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और लखनऊ में हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है वो 27 तारीख से शुरू होने जा रहा है। स्कूल पे दो बार मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे बहुत समस्या है। मेरे पास भाड़ भी नहीं है कि मैं जा सकूँ। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है कि मेरे लिए नवीन विद्यालय खोले जाए और ट्रांसफर किए, ताकि हमको सुविधा, ताकि मुझे अपना स्कूल छोड़ना ना पड़े। सरकार हम लोग को मानदेय के रूप में मात्र 9,000 रुपया दे रही है, और मैं लगभग रोज 30 से 35 किलोमीटर डबल बस बदल के यात्रा करता हूँ। लगभग आधा पैसा तो मेरा केवल किराए में खर्च हो जाता है। उसके बाद रह गई परिवार की जिम्मेदारियाँ। मैं अपने बेटे का इलाज न करवाने के कारण अपने बेटे को खो चुका हूँ, और सरकार से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। तमाम प्रकार की समस्याएँ होती है, पैसे के पाके परिवार में विघटन हो गया, क्योंकि हम लोग पैसा घर पर नहीं दे पाते हैं, ना ही नात रिश्तेदारी में जो भी कोई यहाँ कोई ओकेजन होता है तो हम लोग कुछ गिफ्ट के रूप में दे पाते हैं। विद्यालय सर मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है। पर डे का आना, पर डे का जाना, सर 250 रुपये डेली खर्च होता है। अब आप ये बताइए सर, 250 रुपये अगर डेली खर्च होता है तो बचता क्या है? मेरी ये समस्या है, और सरकार से गुजारिश है कि हम लोग का ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ठंडी का मौसम है। सुबह हम सब 7 बजे घर छोड़ देते हैं, और तो भी सर हम 9:30 बजे स्कूल तब पहुँचते हैं। इतनी दूरी है तो औसत 3 साधन बदलने पड़ते हैं तब हम स्कूल पहुंचते हैं। में हम लोगों का खर्च नहीं चल पा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो भी, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर 9,000 रुपये अपना खर्च चला ले तो हमको बताया। तो 9,000 रुपये में सर हम लोगों का खर्च नहीं चल पा रहा है। हम सरकार से आग्रह यही करेंगे कि हम लोगों का नियमित किया जाए, या जो हम लोग 17,000 कही है वो सरकार हम लोग 17,000 दे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए जारी रखेंगे। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र जिला अध्यक्ष निदेशक संघ व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मुख्यतः हम लोग का 2017 में 17,000 प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें 17,000 का बजट केंद्र सरकार से हमको आ भी गया था यूपी सरकार में, लेकिन यूपी सरकार द्वारा हमें जो है 2017 से 17,000 नहीं दिया गया, जिस आधार पे हम हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट में हमें जो है दो बार जो है सफलता मिला, वहाँ से आदेश मिला कि हमें 17,000 दिया जाए 9% के ब्याज के दर पे। फिर उसके आधार पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हुआ कि यूपी सरकार तभी जो आए इनके साथ लड़ने के लिए जब तक 1 साल का 17,000 इनको मानदेय न दिया जाए। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, और इसी हाई कोर्ट में हम लोग जो 2017 में 17,000 मांग को लेकर के लड़ाई किए, तो यूपी सरकार द्वारा हम लोग से खिन्न होकर के हमारा जो 9,000 8,470 रुपये हुआ था वो 1,470 रुपये काट करके हमें 2 साल का पूरा रिकवरी कर लिया गया, जिसमें यूपी सरकार सपा का सरकार था, उस शासन काल के आदेशों का भी जो है निर्वहन करते हुए ये हमारे जो है 2 साल का मानदेय भी काट दिया गया। और इस आधार पे कहा जाता है यूपी सरकार द्वारा
कि हम आदेश पारित कराएंगे तभी जाकर के हमें मिलेगा, लेकिन जब हमारा मानदेय काटना होता है तो उस समय रातों रात आदेश होकर के हमारा मानदेय काट लिया जाता है। लेकिन जब हमको लाभ लेने की बात होती है तो वो कहते हैं बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, वहां से आदेश कराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको मानदेय मिलेगा। उस आधार पे हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश ला लिए, लेकिन यूपी सरकार हमारा जो है मांग पूरा नहीं कर रहा है। मांगे हैं कि पहले तो हम लोगों का जो मानदेय जारी हुआ था 2017 में 17,000 देने के लिए, वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। एक जियो था जिसमें कि शिक्षा मित्रों को 10,000 और हम लोगों को 17,000 देना था, और सरकार शिक्षा मित्रों को दे रही है।